Hello students, how are you? In the previous module, we have come to know about Rajaram Mohan Roy. Today, in this module, we are going to know about Swami Dayanand Saraswati. So, let's start. Swami Dayanand Saraswati ka naam Mool Shankar Tiwari tha. Yah ek साधारण व्यक्ति थे जो सदैव पिता की बात का अनुसरण करते थे। जाति से ब्राह्मण होने के कारण परिवार सदैव धार्मिक अनुष्ठानों में लगा रहता था। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर इनके पिता ने इनसे उपवास करके विधि विधान के साथ पूजा करने को कहा और साथ ही रात्रि जागरण व्रत का पालन करने को कहा। पिता के निर्देश अनुसार मूलशंकर ने व्रत का पालन किया, पूरा दिन उपवास किया और रात्रि जागरण के लिए वह शिव मंदिर में ही पालकी लगाकर बैठ गए। अर्धरात्रि में उन्होंने मंदिर में एक दृश्य देखा जिसमें चूहों का झुंड भगवान की मूर्तियों को घेरे हुए है और सारा प्रसाद खा रहे हैं। तब मूल शंकर जी के मन में प्रश्न उठा, यह भगवान की मूर्ति वास्तव में एक पत्थर की शिला है जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती, उसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उस एक घटना ने मूल शंकर के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला और उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर छोड़ दिया और स्वयं को ज्ञान के जरिए मूल शंकर तिवारी से महर्षि दयानंद सरस्वती बनाया। 1846 में घर से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने देश भ्रमण के दौरान यह पाया कि लोगों में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश है, बस उन्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए उन्होंने लोगों को एकत्रित करने का कार्य किया। उस समय के महान वीर भी स्वामी जी से प्रभावित थे। उनमें तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, हाजी मुल्ला खां, बाला साहब आदि थे। इन लोगों ने स्वामी जी के अनुसार कार्य किया, लोगों को जागरूक कर सभी को संदेशवाहक बनाया जिससे आपसी रिश्ते बने रहें और सभी एकजुट हो जाएं। इस कार्य के लिए उन्होंने रोटी तथा कमल योजना भी बनाई और सभी को देश की आजादी के लिए जोड़ना प्रारंभ किया। इन्होंने सबसे पहले साधु संतों को जोड़ा जिससे उनके माध्यम से जनसाधारण को आजादी के लिए प्रेरित किया जा सके। ज्ञान की चाह में स्वामी विरजामंद जी से जा मिले और उन्हें अपना गुरु बनाया। विरजानंद ने ही इन्हें वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करवाया, इन्हें योग शास्त्र का ज्ञान भी दिया। विरजा आनंद जी से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब स्वामी दयानंद जी ने इनसे गुरु दक्षिणा का पूछा, तब विरजानंद ने इन्हें समाज सुधारक, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ कार्य करने, अंधविश्वास को मिटाने, वैदिक शास्त्र का महत्व लोगों तक पहुंचाने, परोपकार ही धर्म है इसका महत्व सभी को समझाने जैसे कठिन संकल्पों में बांधा और इसी संकल्प को उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा कहा। 1875 में इन्होंने गुड़ी पाड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य धर्म मानव धर्म ही था। इन्होंने परोपकार, मानव सेवा, कर्म एवं ज्ञान को मुख्य आधार बताया जिसका उद्देश्य मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक उन्नति था। ऐसे विचारों के साथ स्वामी जी ने आर्य समाज की नींव रखी जिससे कई महान विद्वान प्रेरित हुए। कईयों ने स्वामी जी का विरोध किया लेकिन इनके तार्किक ज्ञान के आगे कोई टिक न सका। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज के प्रति स्वयं को उत्तरदायी माना और इसीलिए उसमें व्याप्त कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज बुलंद की। जैसे
बाल विवाह विरोध। उस समय बाल विवाह की प्रथा सभी जगह व्याप्त थी, सभी उसका अनुसरण सहर्ष करते थे। तब स्वामी जी ने शास्त्रों के माध्यम से लोगों को इस प्रथा के विरुद्ध जगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में उल्लिखित है, मनुष्य जीवन में अग्रिम 25 वर्ष ब्रह्मचार्य के हैं, उसके अनुसार बाल विवाह एक कुप्रथा है। उन्होंने कहा कि अगर बाल विवाह होता है तो वो मनुष्य निर्बल बनता है और निर्बलता के कारण समय से पूर्व मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। सती प्रथा विरोध। पति के साथ पत्नी को उसी मृत्युशैया पर अग्नि को समर्पित कर देने जैसे अमानवीय सती प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया और मनुष्य जाति को प्रेम आदर का भाव सिखाया, परोपकार का संदेश दिया। विधवा पुनर्विवाह। देश में व्याप्त ऐसी बुराई जो आज भी देश का हिस्सा है, विधवा स्त्रियों का स्तर आज भी देश में संघर्षपूर्ण है। तैना सरस्वती जी ने इस बात की बहुत निंदा की और उस जमाने में भी नारियों के सहसम्मान पुनर्विवाह के लिए अपना मत दिया और लोगों को इस ओर जागरूक किया। एकता का संदेश। दैना सरस्वती जी का एक स्वप्न था जो आज तक अधूरा है। वह सभी धर्मों और उनके अनुयायी को एक ही ध्वज तले बैठा देखना चाहते थे। उनका मानना था आपसी लड़ाई का फायदा सदैव तीसरा लेता है, इसलिए इस भेद को दूर करना आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने कई सभाओं का नेतृत्व किया। लेकिन वे हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई धर्मों को एक माला में पिरो ना सके। वर्ण भेद का विरोध। उन्होंने सदैव कहा, शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है, जिसके अनुसार चार वर्ण केवल समाज को सुचारू रूप से बनाने के लिए अभिन्न अंग हैं, जिसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं अपितु सभी अमूल्य हैं। उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात रखी और वर्ण भेद का विरोध किया। नारी शिक्षा एवं समानता। स्वामी जी ने सदैव नारी शिक्षा का समर्थन किया। उनका मानना था कि नारी शिक्षा ही समाज का विकास है। उन्होंने नारी को समाज का आधार कहा। उनका कहना था, जीवन की हर क्षेत्र में नारियों से विचार विमर्श अवश्य करें, जिसके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। People from the lower caste wanted to be free from the control of the upper caste, the complex religious rituals. His famous slogan was, go back to the Vedas. The most ancient and scared, his famous slogan was, go back to Vedas. According to him, there is no mention of ideal worship, elaborate rituals or caste system in Vedas. Arya Samaj preached the concept of one God, who has no shape or form, and is present everywhere. It discouraged idol worship, animal sacrifice, untouchability, and child marriage. Tenan Saraswati encouraged women's education and remarriages of widows. Anyone could become a member of Arya Samaj. He founded Arya Samaj, and anyone could become a member of the Arya Samaj. It was open to all caste, and because of its simplicity, it became very popular, especially among the ordinary people of North India. The people were fed up spending money on rituals, and Arya Samaj did not have any rituals. Like Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati also believed in the importance of education in the society. He also stressed on the education of women. He founded the Dayanand Algo Vedic School at Lahore. Soon, a number of Dayanand Algo Vedic schools and colleges were set up at the various places in North India. The Dayanand Algo Vedic schools are popular even today. The education imparted in these institutions combined traditional Indian learning with Western scientific studies.
He wanted the Vedas to be translated from Sanskrit to Hindi so that common man could read it. अपने 59 वर्ष के जीवन में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने राष्ट्र में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ लोगों को जगाया और अपने वैदिक ज्ञान से नवीन प्रकाश को देश में फैलाया। यह एक संत के रूप में शांत वाणी से गहरा कटाक्ष करने की शक्ति रखते थे और इनके इसी निर्भय स्वभाव ने देश में स्वराज का संचार किया। Now it's practice time. Fill in the blanks. A. Dash was born in Gujarat in 1824. B. Dayanand Saraswati's childhood name was Dash. C. Dayanand Saraswati founded the Dash. D. His famous slogan was Dash. E. Dayanand Saraswati believed in the importance of Dash in society. I hope आज का content आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए goodbye, thank you.